नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूँ रश गौरी। देश में राम के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन नया सिर्फ ये है कि अब राम के नाम पर राजनीति छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है और इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अब राम याद आने लगे हैं। इससे बीजेपी को अब परहेज होने लगा है। आज हम हमारी इस खास पेशकश में बात करेंगे कांग्रेस को आई याद राम की। तो देश में अब राम के नाम पर अघोषित लड़ाई छिड़ गई है। यह लड़ाई धर्म विरोधियों के बीच नहीं बल्कि धार्मिकता के नाम पर सियासत रचने वालों के बीच शुरू हुई है। आखिर भगवान राम किसके हैं और सियासत की इस लड़ाई में यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि राम के नाम पर सियासत की धुरी अब तक बीजेपी तक ही सीमित रही है, लेकिन अब राम कांग्रेस के भी सियासी हथियार बनते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ये दिलचस्प बयान कि भाजपा हिंदूवादी नहीं है, बीजेपी देश भर में राम नाम पर केवल वोट मांगती है और ये बताता है कि राम अब आस्था के प्रतीक की जगह सियासी प्रतीक बन चुके हैं। आज की डिबेट इस बेहद ही सुलगते मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा का दौर शुरू करें, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। यह माता कौशल्या की धरती है। अपने वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ कई वर्ष बिताए थे, लेकिन जिस धरती से राम का हृदय का संबंध रहा, आज वहाँ उनके नाम पर सियासत की जमीन तैयार हो रही है। राम नाम की सियासी रणनीति देश के कई राज्यों को प्रभावित करती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ ही था जो इस सियासत का हिस्सा कभी नहीं रहा। राम सबके थे, लेकिन अब राम बट रहे हैं। इन्हें बांटने का यह खेल खेला है यहाँ की राजनीति ने। कल तक राम पर बीजेपी अपना अधिकार समझती रही, लेकिन अब राज्य में कांग्रेस ने राम पर अपना प्रभुत्व जमाने की वर्णी तैयार कर ली है। कांग्रेस से जुड़ी हुई हमर राम सांस्कृतिक समिति ने 4 अक्टूबर को 3 दिवसीय कौशल्या के राम नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस नाम को लेकर जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से पूछा गया कि बीजेपी कांग्रेस के नाम पर वोट मांगती है, तो क्या कांग्रेस राम के नाम को हाईजैक कर रही है, इस पर उन्होंने दो टूक कहा कि भाजपाई हिंदू नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदूवादी कांग्रेस ही है, सबसे ज्यादा मंदिर कांग्रेस ही जाते हैं। 200 में से 150 मंदिर कांग्रेस से जुड़े लोगों के घरों में मिल जाएंगे। ताम्रध्वज साहू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी ने देश भर में राम के नाम पर केवल वोट मांगा है। देखिए, ये बात जो फैलाते हैं वो बहुत गलत है कि भाजपा से कांग्रेस राम को हाईजेक कर रही। मेरा सीधा सीधा चैलेंजिंग प्रश्न है, किस भाजपा वाले के घर मंदिर है बता दे? कांग्रेसियों के घर ज्यादा मंदिर है। एक मंदिर रायपुर का, कोई भी मंदिर, सुबह 5 बजे एक आदमी खड़ा हो जाए गिनने के लिए, 200 आदमी जाएंगे, 150 कांग्रेसी रहते हैं, 50 भाजपाई रहते हैं। भाजपाई सिर्फ कहते हैं राम का नाम का खाते हैं, हिंदूवादी बात करते हैं, पर वो हिंदूवादी है नहीं। सबसे ज्यादा हिंदूवादी कांग्रेसी हैं, सबसे ज्यादा मंदिर हिंदू कांग्रेसी जाते हैं, सबसे ज्यादा राम कथा में कांग्रेसी जाते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण कांग्रेसी करते हैं। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेसी नेताओं के घर में मंदिर है, लेकिन जुबा पर राम मंदिर का समर्थन नहीं है। भगवान को घर में छोड़कर चले आते हैं, अयोध्या का समर्थन नहीं करते। इन्होंने क्यों नहीं कहा मंदिर का निर्माण होना चाहिए? केदार गुप्ता यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि यह सरकार भी राम भरोसे ही चल रही है। भगवान राम सबकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, संस्कृति को नष्ट करने का काम भी तो कांग्रेस ने ही किया है। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें तो कांग्रेस समर्थन दे, तब हम जानेंगे कांग्रेस राम भक्त है। कांग्रेस नकल मार रही है, इसे जनता भी जान रही है। राम सप्ताह वाले 70 साल तक आखिर कहाँ थे? देखिए, अवसरवादी कांग्रेस पार्टी है, अवसरवादी के साथ राजनीति करना कांग्रेस का काम है।
आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अमित शाह जी आए हैं और एक देश की संस्कृति और परंपरा, हिंदू संस्कृति और परंपरा की ओर देश लौट रहा है, तब ये नकल मार रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज वो अवसर है तो कांग्रेस उसके साथ चल रही है, पर राम और हिंदू संस्कृति में जो भी आता है हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा नारा था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो 1952 से था तो कश्मीर को लेते तक था, वैसे ही राम का नारा है जो शुरू था आज भी वही नारा है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि और वहां मंदिर बन के रहेगा। बहरहाल राम को लेकर शुरू हुई ये सियासत आखिर कहां जाकर खत्म होगी ये फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन इतना तो जरूर है कि देश जिस मुद्दे पर रह रहकर गर्म होता रहा है अब उसकी आज छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। कैमरामैन रेख राम देवांगन और हेमंत शर्मा के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। तो वाकई में जिस मुद्दे पर पूरे देश में सियासत गर्म है और उस मुद्दे की आंच अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुकी है। राम को हाईजैक करने का आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई जितने मंदिर और जितने हम राम को पूछते हैं इतने तो भाजपा कभी नहीं पूछते। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा एक पैनल रायपुर स्टूडियो में जुड़ गया है। ये आपका तारुफ करवा देते हैं, विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं। जायसवाल जी बहुत स्वागत है आपका। शशांक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशांक जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास चर्चा में, और केदार गुप्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। विनय जी सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि छत्तीसगढ़ में इस बार दिवाली राम वाली। जी आपकी आवाज थोड़ा सा ठीक से नहीं है, एक बार फिर से बोलेंगे। मेरा सवाल विनय जी ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस बार जो कांग्रेसियों की दिवाली है वो राम वाली है। जी बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे भारतीय जनमानस के रग रग में बसते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके जो सियासत होती है वो कांग्रेस ही कभी नहीं करते। ये हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जो राजनीति होती है वो हमारे जो विपक्ष के साथी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है, वो हमेशा राम के नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से राजनीति नहीं की है। आज हमारी सरकार आने के बाद 17 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, 15 साल पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कभी भी इन्होंने जो हमारा छत्तीसगढ़ जो कौशल्या की नगरी के नाम से जाना जाता है कि यहाँ जो चंद्रखुरी है वहाँ भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ननिहाल रहा है। अपने शिलालेखों में उल्लेख है, कई सारे ऐसे प्रमाण है कि जब वनवास का जो समय था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ कई बहुत समय यहाँ जाके बिताए हैं, लेकिन पिछले 15 साल में इन्होंने कभी भी ये सुध नहीं ली। आज हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, आज वो जाके कौशल्या मंदिर में जाके वहाँ माता कौशल्या की पूजा करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम राम भगवान राम के लिए कुछ उसके वीक मनाते हैं, उसके उनके उनके लिए सप्ताह मनाते हैं, हम संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं कि जो संस्कृति रही है छत्तीसगढ़ में भगवान राम की, उसको हम संरक्षण करके लोगों को हम उसको बताना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इस नाम का उपयोग केवल चुनाव में की है, लेकिन कभी भी उस संस्कृति का संरक्षण करने का काम नहीं किया जो आज कांग्रेस की सरकार कर रही है। और कांग्रेस की सरकार आज कर रही है तो उनको ये डर लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक मुद्दा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमेशा जो ये एक मुद्दे के रूप में, एक चुनाव के वोट के रूप में हमेशा इन्होंने राम को माना है, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने नहीं माना है। बिल्कुल केदार गुप्ता जी, क्योंकि गंभीर आरोप लगा दिए, सवाल खड़े कर दिए कि 15 साल के पूरे जो छत्तीसगढ़ में राज किया है भारतीय जनता पार्टी में, उस वक्त आपने कभी भी संरक्षित करने का काम नहीं किया, आज जब कांग्रेस की सरकार आई है तो अब राम के नाम पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, माँ कौशल्या के नाम पर काम किया जा रहा है, सप्ताह मनाया जा रहा है, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। कॉपीराइट नहीं है मतलब आपका भगवान राम पर? हमारे पेट हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, हमारे मन में खुशी हो रही है कि हम लोगों के काम के कारण, हमारी मेहनत के कारण जो हमारे कांग्रेसी भाई खुलकर राम का नाम नहीं लेते थे, अब वो राम का नाम लेने लग गए।
तो हमारे मन में पेट में दर्द नहीं, मन में खुशी है। और हम स्वागत करते हैं कि हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात कोई भी पार्टी करेगी उसका स्वागत है। तो आज हम कांग्रेस का स्वागत कर रहे हैं मैडम। दूसरी बात कि 15 सालों में हमने कुछ नहीं किया, किसने कहा कुछ नहीं किया? राजिम कुंभ में क्या होता था? बारंबार वहां आवाज उठती थी कि ये भगवान राम का ननिहाल है, कौशल्या की धरती है, ये ऐसा कहने वाले? अरे हम तो राम के नाम को कुंभ के रूप में मनाते थे। हमारे माननीय रमेश बैस जी जो सांसद हैं, टिकट मिलने के बाद पहले कौशल्या माँ के दर्शन करते थे, फिर चुनाव की तैयारी में जाते थे। और ये अभी सरकार आई क्या? कोई पहली बार कांग्रेस की सरकार आई है क्या छत्तीसगढ़ में? 2001 से किया था, जब ही तो गवर्नर बने, गवर्नर है ना त्रिपुरा के, हाँ तो जरूर दर्शन किया था और करते रहते हैं। मैं आपको कह रहा था कि पहली बार बन गई क्या कांग्रेस की सरकार? 2001 से 2003 तो मुफ्त में मिला था, उस समय क्या राम नाम सत्ता नहीं था? 70 साल से अविभाजित मध्य प्रदेश में किसने राम नाम सत्ता और किसने नवधारामायण की बात की? भारतीय जनता पार्टी जिन नारों को लेकर चलती है, मैं कहना चाहता हूँ उसे कभी भूलती नहीं पूरा होने तक। और सवाल ये सांप्रदायिकता का नहीं है, सवाल इस देश की संस्कृति और परंपरा और पहचान का है। राम इस देश की पहचान है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको भी याद होगा, जब बड़े बुजुर्ग नमस्ते वाला अभिवादन पहले करते थे तो कहते थे राम राम, और हमारे यहाँ बोला त्रिस गौठिया राम राम का हाल चाल है, तब सामने ले वो छत्तीसगढ़ी भाटा में बोले जय राम जी की बने होगा। तो ये पूरे देश में प्रचलित था, हर प्रदेश में अपने हिसाब से लोग राम का अनुवाद करते थे, राम में जो व्याकरण जुड़ता था वो जोड़ते थे। पर मुझे दुख है ये 70 साल में कहां चला गया था, आज याद आ रही है इनको। पर भारतीय जनता पार्टी जो नारे को लेकर निकली है, अयोध्या में राम जन्मभूमि की बात करती है, वो करती रहेगी, मैं मानता हूँ। कहते हैं ये कि राम मंदिर का नाम, राम की बात हमने ज्यादा तो की, अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर यही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और 5 साल सरकार ने पूरे कर लिए लेकिन उसके बाद भी अभी तक तारीख नहीं बताई, मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसा चाहते हैं मुझे मुझे जवाब देने दीजिए, एक मिनट जवाब देने दीजिए, आप क्या चाहते हैं? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको हम अपने हाथ में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दें? ऐसे हमारे राम और ऐसी हिंदू संस्कृति नहीं है। हम कानून के आधार पर लड़कर और अपना समर्थन देकर मंदिर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने किस दिन कहा कि वो अयोध्या में राम के मंदिर का समर्थन करते हैं? जो बात आप कर रहे हैं वही बात तो कांग्रेस कर रही है कि जब मामला पूरा विचाराधीन जयपाल जी गुप्ता जी की बात का जवाब दीजिए, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप ही जवाब दीजिए। देखिए ये बड़ी दोहरी बात कर रहे हैं हमारे जो साथी हैं गुप्ता जी। एक तरफ ये खुद बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को कैसे इंटरफेयर करें, मामला उच्चतम न्यायालय में है, माननीय न्यायालय का जो आदर है उसका सम्मान है सभी लोग करते हैं। फिर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कांग्रेस ही उसमें समर्थन नहीं करते। भाई मामला उच्चतम न्यायालय में है, उसका सम्मान होगा, जो भी फैसला आएगा, तभी कांग्रेस के पास। आप अपने जो सवाल कर रहे थे फिर जवाब दे तो उसमें फंस गए, लौटूंगी आपके पास। आज लेकिन इस मरतबा तमाम सियासी समीकरण बदल छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहे हैं। राम को हाईजैक कर लिया है भाजपा के कांग्रेसियों ने। शशांक जी किस तरह से इस पूरी राजनीति को देखते हैं? मैडम 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 एक छोटा सा नौटी हूँ जयपाल जी, बस नौटी हूँ, शशांक जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। शशांक जी देखिए ऐसा है कि भगवान जो राम है उनकी मान्यता पूरे देश में है, और मान्यता क्यों है इस बात को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति में जो एक लचीलापन है, सर्वसमावेशी है, हर संबंधों को निभाना और प्रजा को अपने अपने पुत्रवत समझना, इसलिए तो हम लोग राम राज्य की बात करते हैं। अगर मेरे अगल बगल दोनों राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं तो हम इस दृष्टि से राम का हम विवेचन कर रहे हैं कि भारत में राम राज्य की स्थापना, समाज में एक राम चरित्र की स्थापना, यही शायद हमारे राम प्रभु का सबसे बड़ा जो आदर्श है।
तो अगर ये मानकर चले कि आज राजनीति में सभी तरफ राम को अगर स्वीकार्यता मिल रही है तो हमको इसका इससे खुश होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो हमको ये बात समझना होगा कि महात्मा गांधी कम से कम 1000 बार अपने लेखों में और भाषणों में भारत के भविष्य की राजनीति राम राज्य पर आधारित करने की बात कही थी। और जब वो 1947 में आते आते उन्होंने एक बार किसी अपने प्रार्थना सभा में कहा था कि मुझे लगता है कि जो देश के हालात बन रहे हैं, जो धर्म की लड़ाई हो रही है, उसमें राम राज्य की जो स्थापना है उसकी कल्पना धूमिल होती नजर आ रही है। हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत की अपनी एक संस्कृति है और वो हमारे इन्हीं जो पौराणिक महापुरुष हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, यही लोग हमारे देश के आदर्श हैं। उन पर अगर चलने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, सभी करते हैं। लेकिन मेरा एक बहुत सरल सी बात है, देखिए हम राम मंदिर की बात करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1988 में रामलला के दर्शन के लिए दरवाजा तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खुलवाया। उसके बाद ही राम मंदिर का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना। उसके बाद लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे क्या हुआ कि राम मंदिर के मुद्दे से अपने आप को पीछे हटाती चली गई और पूरे देश में 20-25 वर्षों में ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं की विरोधी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एके एंटोनी की रिपोर्ट है जो 2014 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद बनी थी। उन्होंने कहा कि जनता के मन में ऐसा कुछ विचार आया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की विरोधी है। तो मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हिंदू विरोधी नहीं है। राजनीतिक जो प्राथमिकताएं होती हैं वो अलग होती हैं, वोट बैंक की राजनीति है। तो धर्म और संप्रदाय आधारित राजनीति में कोई पार्टी हिंदुओं को साथ लेकर चल रही है, कुछ हिंदुओं को साथ छोड़कर चल रही है। तो मुझे लगता है अगर आज दोनों पक्ष ये बात मानने को तैयार है कि राम उनके आदर्श हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राम राज्य की स्थापना की बात की जाती है लेकिन जो राम जी को आदर्श माना जा रहा है, प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की जा रही है लेकिन अनुसरण कोई भी नहीं कर रहा है, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जायसवाल जी, आपका मुद्दा था हाईजैक भाजपा ने कर लिया, भगवान श्री राम प्रभु श्री राम अब सिर्फ भाजपा के, कॉपीराइट है भाजपा का उन पर। मैडम जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी ही तैसी, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रभु राम को आप जैसे देखेंगे, जिस भावना से देखेंगे प्रभु आपको वैसी दिखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा है। जब देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने, जी मैडम, जब देश की जब आजादी की लड़ाई को लड़ा जा रहा था, जब हिंदू मुस्लिम सारे लोग जब महात्मा गांधी के साथ थे और साबरमती में जब भजन होता था तो राम का भजन होता था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भजन होता था। गांधी जी ने राम के नाम से पूरे देश को एक किया, सभी को एक किया और फिरंगियों को देश से भगाया। मैडम ये अभी ये जो बोले 70 साल में क्या हुआ, राम को कैसे भूल गए, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आजादी के पहले से जो लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी से लेके, जैसा कि भी हमारे भाई साहब ने बताया कि राजीव गांधी जी के समय में रामपट खुला, इसके बाद फिर जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब उस समय दूरदर्शन चलता था मैडम, तो रामायण जो दूरदर्शन पे दिखाया जाता है जिससे पूरा देश, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे लोग इकट्ठे होकर उस रामायण को देखते थे। ये काम हमारे कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन जैसा कि जब मैंने शुरू में अपने जो एक दोहा बोला था कि भगवान राम को जिस भावना से आप देखेंगे आम जनता को, और आज ये परसेप्शन उसी पे आ रहा हूँ, कैसे बन गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदूवादी नहीं है, वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वो राम मंदिर को ये परसेप्शन हमारे भारतीय जनता बन गया। एक एंटोनी की भी रिपोर्ट है 2014 में उन्होंने करारी शिकस्त के बाद दी थी, जब आप लोग 54 पे पहुंच गए थे उस वक्त, ये जब ये परसेप्शन बना तो उसको तोड़ने की कोशिश की गई। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार बनाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे इन्होंने राजनीति की है और इन्होंने जो एक भ्रम फैलाया पूरे देश में, जो भ्रम फैलाया है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के हैं, वो गांधी के भी राम है, वो डॉक्टर विनय जायसवाल के भी राम है, कांग्रेस पार्टी के भी राम है, पूरे देश के राम है।
ये बात हम इनसे कहने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, इन्होंने बोला कि राम मंदिर का हम समर्थन नहीं करते और फिर ये खुद बोलते हैं कि जाके हम उच्चतम न्यायालय के क्या हम अवमानना करें। अब ये बताइए कि उच्चतम न्यायालय में जो राम मंदिर का जो राम मंदिर का जो केस चल रहा है उसमें तीन पार्टी है, एक जाके क्यों पार्टी नहीं बनी? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पार्टी है? उच्चतम न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी पार्टी क्यों नहीं है? तीन पार्टी जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? मेरा ये प्रश्न है, ये क्यों ऐसा बोलते हैं कि राम मंदिर का हम समर्थन नहीं करते हैं? अगर ये समर्थन करते हैं तो ये पार्टी क्यों नहीं बनती उच्चतम न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी? केवल ये बात क्यों करती है? आज आज देखिए मोदी जी के 5 साल बीत गए, अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल बीत गए, क्या किया बताइए मंदिर के नाम पे? जी गुप्ता जी, अरे बहुत स्पष्ट है मैडम, 5 साल से गौरी जी 5 साल से नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट में केस, 35 साल हो गए, 38 साल हो गए केस चलते हुए, इतने स्पीड से क्यों नहीं चला मैं पूछ लिया इनसे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में केस पार्टी क्यों नहीं है केस में? विनय जी दो पार्टी क्यों नहीं है? आप 2 मिनट में कह रहा हूँ, जिसकी जमीन है वो पार्टी होगी, हम समर्थक हैं। देखिए आपने समर्थन किया क्या? मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, जिसने गौरी जी ने भाषण दीजिए, डिबेट का जवाब दीजिए। अरे डिबेट का ही जवाब दे रहा हूँ विनय जी, आप भाषण दे रहे हैं। आपने कहा कि हम पार्टी क्यों नहीं, आप विधायक हैं, बताइए पार्टी हम, आप मुझे एक बात बताइए, हम समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है क्या? कहिए चैनल में आप कि वहाँ राम मंदिर बने अयोध्या में, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो कह सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आज बैठकर यहाँ राम राम जप रहे हैं, सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा माइथोलॉजी वो एक काल्पनिक कहानी है, राम नहीं थे, राम सेतु नहीं था, क्या ये सोनिया गांधी की उस बात को नकार सकते हैं? मैं भी प्रश्न पूछता हूँ विनय जी से, क्या आप ये बात बोलेंगे कि सोनिया जी ने वो राम को काल्पनिक कहा था? सोनिया जी गलत है, है आप में हिम्मत तो कहिए, कहां सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? जिनके नेता राम को काल्पनिक कहते हैं वो यहाँ छाती ठोक कर कह रहे हैं कि राम हमारे हैं। अरे हैं, आपने कहा गौरी जी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं, मेरी छाती ठंडी हो रही है, उनका सम्मान करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको वेलकम किया हम लोगों ने। अरे मैं पूछता हूँ, देखिए केवल केवल की बात का खंडन करेंगे क्या? सीखने से ये बात हो नहीं जाती है। आप ये मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए, आप मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बात, एक लाइन का जवाब दीजिए, मैं तो आपकी लाइन का जवाब दे दिया। मुझे हालांकि मुझे डेट याद नहीं है सर, लेकिन 2011 में इस पूरे मुद्दे पर, इस राम मंदिर के प्रकरण पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस वक्त भी वहां पे जो 3 जजों का पैनल बैठा हुआ था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आस्था के आधार पर, क्योंकि आस्था का केंद्र बिंदु है। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको भी आपको कंफर्म कर दूंगी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आस्था का केंद्र बिंदु के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था। हालांकि चर्चा बहुत बड़ी है और वक्त की वाकई में बहुत ज्यादा कमी है। शशांक जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है माननीय मोदी जी के पास चाहे चुनावी मुद्दा, चाहे चुनावी समर हो या ना हो, लेकिन राम नाम एक ऐसा है, प्रभु राम से कैसे है जो हमेशा हिट है। इन मैडम इसी बात को मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी जी बहुत संक्षेप में सर, जो आप 2011 की इलाहाबाद कोर्ट का फैसला जो बता रही है ना, जी जी, उसमें बकायदा इस बात का जिक्र है कि राम का अस्तित्व है और वो राम जन्मभूमि है जी। लेकिन चूंकि ये मामला जो है वो आस्था का है और एक पूरे देश की एक जो सांप्रदायिक और धार्मिक संरचना का है, इसलिए बहुत भावनाओं में बहते हुए जजों ने 3 हिस्से में उसको बांट दिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो इसी की हो रही है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात कहना गलत होगा कि कांग्रेसी हिंदू को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, क्योंकि जो हिंदू है उनके दिल में राम बसा है, वो भी उसी संस्कृति में जीते हैं। लेकिन जो राजनीतिक मजबूरी है और राजनीति में हाई कमान के आदेशों की अपनी मर्यादा है, हम देखते हैं कि हमने अपने संविधान को धर्म निरपेक्ष बनाया, जैसे ही हमने धर्म निरपेक्ष बनाया तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि जो धर्म की राजनीति है उसको हमको इससे अलग करना है। इसके कारण हुआ ये कि देश में कई ऐसे धार्मिक जो विवाद के विषय थे वो बढ़ते चले गए और कोई राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास नहीं किया। मैं मानता हूँ कि जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार देश के जो इस तरह के धार्मिक विवादों का समाधान खोजने आई, वहां पर देश धार्मिक आधार पर दो ध्रुवों में बट गया और मुझे लगता है आज की चर्चा
अगर वो सार्थक होती है कि अगर भगवान राम की मान्यता दोनों पार्टी देते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी जो मान्यता है वो बिल्कुल बाकी मैं सही कह रहे हैं शशांक जी, क्योंकि केदार गुप्ता जी आपके तो रोम रोम में राम बसे हैं, थोड़े से राम अगर कांग्रेस में भी बस जाएं तो आप तो खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, खुशी मनाइए। इस बार छत्तीसगढ़ में प्रभु राम वाली कांग्रेस की दिवाली है तो मनाने दीजिए सर। मैं छठवीं बार फिर स्वागत करता हूँ विनय भैया का, विनय भैया का स्वागत है, कभी नहीं करेंगे। आइए हिंदू संस्कृति हिंदू परंपरा में स्वागत है, हम आपके साथ हैं। अभी मुझसे ये एक प्रश्न कर रहे थे, मैं भी एक प्रश्न लास्ट में करूंगा मैडम, बहुत संक्षेप में। हमारे जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जिनको हम पूरे देश का पिता कहते हैं, उनसे बड़ा राम भक्त मुझे नहीं लगता कि उनकी जो राम के ऊपर भक्ति, उनकी जो श्रद्धा थी उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, क्योंकि अंतिम समय में भी जब उनकी हत्या की गई गोडसे के द्वारा तो लोग बोलते हैं कि बचाव और ये सब तमाम मुद्दे उनके मुंह से निकलता है, लेकिन महात्मा गांधी के शब्द थे अंतिम जो शब्द थे वो हे राम और हे राम के शब्द थे, आज हे राम के शब्द थे। आज मैं बोलता हूँ कि महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी जी बिल्कुल बाकी मैं कौशल मारने वाला जो गोड़ से आप लोग कांग्रेसियों की तरफ से ये सप्ताह मनाया जा रहा है, अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, एक बार ये भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण दीजिए ताकि दोनों ही दल जब एक मंच पर आएंगे तो देश को एक अच्छा नागरिक होगा और देश को लगेगा कि उनको देश को भी लगेगा, देश की जनता को भी लगेगा कि उनके भाई के नाम पर अब कोई बांटने वाली पार्टी नहीं है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए जयसवाल जी, शशांक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और केदार गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चुनावी मौसम हो या ना हो, प्रभु राम का मुद्दा तो हिट है और राम को लेकर पूरे देश में सियासत अपने चरम पर है, तो वही छत्तीसगढ़ कैसे आखिर सियासत से अछूता रहता, एक नई उम्मीद बांधी है तो क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस शासनकाल में, तो भाजपा से राम को हत्या कर एक नई बहस को प्रदेश में जन्म दिया है। इस अघोषित जंग में आखिर कौन किला पता करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी खास पेशकश कांग्रेस को आई राम की याद में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आपके परिवार को पूरा